seasons come and go like thoughts of you. आप ये देख रहे हैं कि ये है एक बॉक्स जिसके अंदर कोई गिव अवे नहीं है, लेकिन गुर वाली बातें जो है ना इस बॉक्स की वजह से मैं आपको बताने लगा हूँ आज। ये है जी रोजनामचा, खाता, कैश रजिस्टर, डेली सेल्स, आप कुछ भी कह लें। और अब मुझे अगर कोई रिकॉर्ड देखना है अपने बिजनेस के रिलेटेड कि यार मैंने इस डेट को, इस मंथ, इस साल क्या किया, तो वो देखने के लिए मुझे ये ढूंढना पड़ा पुराना खाता। अब ये देखें इस पर लिखा हुआ है और मुझे सर्च करनी पड़ रही है डे बाय डे और मट्टी से भरा हुआ है, और ये अगर गुम गया तो समझें मेरा सब कुछ गया। तो बात करने का मकसद ये है कि जो बिज़नेस ऑटोमेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और बिज़नेस ऑटोमेशन के लिए अगर आपका बिज़नेस स्मॉल साइज है तो कोई ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है क्या चाहिए, ये इसके बजाय ना आपको चाहिए ये है एक मशीन जिससे आप अपना बिज़नेस जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको मैनुअल डाटा एंट्री के बजाय अपनी जो डाटा एंट्री है बिज़नेस की, डेली सेल्स की, एक्सपेंसेस की, आपके जो कैश आप लगाते हैं डिफरेंट कंपनीज़ को, वो सब का सब आपका होना चाहिए मशीन के अंदर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका डाटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बिज़नेस के लिए उसका डाटा है वो बहुत ही ज़रूरी है। कस्टमर्स डाटा, सेल्स डाटा, एक्सपेंस डाटा, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, सब कुछ आप सेव कर सकते हैं। अब इसके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम कितने पैसे लगाएं यार, हम ऑटोमेट करने के लिए मशीन्स लेंगे, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, लेकिन इसका आंसर है नहीं। अगर आपका बिज़नेस स्मॉल साइज है तो आप इजीली डाटा एंट्री कर सकते हैं, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन उनके ज़रिए। वो टूल्स कौन से हैं, वो है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका बिल्कुल फ्री टूल है, आप उसे डाउनलोड करें, यूज़ करें, अपना डाटा उसके अंदर फीड करें, तो आपको कभी फिक्र नहीं पड़ी करनी पड़ेगी, और मेरी तरह आपको बॉक्स उठा के नहीं लाना पड़ेगा जैसे मैं पहले हम लोग कर रहे थे। तो अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ करें, जो आप इंटरनेट लगा के बैठे हैं उसको यूटिलाइज़ करें। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ एंटरप्रेन्योरशिप की चलती रहेगी। बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप में यही फ़र्क है कि जो बिज़नेस होता है वो चलता है इस तरह की चीज़ों के ऊपर, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर होंगे और आपकी एंटरप्रेन्योर वाली सोच होगी तो आप एजुकेशन को यूटिलाइज़ करेंगे, ग्लोबल कंपनीज जो यूज़ करती हैं टेक्निक्स उनको यूटिलाइज़ करेंगे, और अपने बिज़नेस को करेंगे ऑटोमेट। तो ये वीडियो से मैंने आपको थोड़ी सी ऑटोमेशन की इंपॉर्टेंस बताई है, और आपको एक टूल बताया है जिसके थ्रू आप अपना बिज़नेस जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रही हो, फिर भी आप नीचे कमेंट करें, हम आपको फौरन रिप्लाई देंगे कि यार एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप बिजनेस को किस तरह फ्री में ऑटोमेट कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज। टेबल पे अब सब कुछ हमने फैलाया है, डे बुक्स, रिकॉर्ड, ये मैं आपके लिए लेके आया था। वैसे मुझे जरूरत तो नहीं थी रिकॉर्ड देखने की, लेकिन आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताने के लिए सब कुछ किया। हम तो पहले ही यार इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं।